सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित हैशटैग सुक्रिया जावा के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पिछले वीडियोज में मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताया है, ठीक है। वो वीडियो आप मिस मत कीजिए अगर आपको इस वीडियो को समझना है तब, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज हम जानेंगे स्पेशल केसेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग करते समय कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, तो टोटल उसी के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है, इस वीडियो में सीखना है, इस वीडियो में जानना है। तो बने रहिए इस हैशटैग सुक्रिया जावा के ट्यूटोरियल के साथ, और बिलीव मी जावा बहुत आसान है अगर आप शुरू से मेरी इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जाइए शुरू से वीडियोस देखिए, बहुत मज़ा आएगा अगर आपने नहीं सीख रखा है पहले से तो, वरना आपको पता है सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ये प्लेलिस्ट। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। तो पढ़ना ये है कि स्पेशल केसेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अचीव करना है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। कैसा पॉलीमॉर्फिज्म? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ये अचीव करना है, इसलिए हम करते हैं क्या, ये मेथड ओवरलोडिंग, और उसमें स्पेशल केसेज आते हैं मेथड ओवरलोडिंग में, वही हमको देखना है। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ मेथड ओवरलोडिंग का रूल्स बताया था, है ना, कि ये देखिए ये रूल्स होना चाहिए कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, मेथड को सेम क्लास में होना चाहिए, मेथड का आर्गुमेंट यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए अगर आप ढेर सारे मेथड्स बना रहे हो तो। ये सब तो हमने फॉलो कर लिया था। क्या अब एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अगर रिटर्न टाइप को बदल दें, इस रिटर्न टाइप जो आप ऐसे लिखते हो रिटर्न ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना, सॉरी यहाँ राइटिंग मेरी ठीक है बट यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास कुछ लिखने का है नहीं, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो रिटर्न टाइप को यहाँ देखो, रिटर्न टाइप किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर रिटर्न करे, जैसे ये वॉइड है या तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग है तो ये देखो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ब्लैंक, ठीक है। तो क्या ऐसा करने से, रिटर्न टाइप को बदलने से क्या मेथड ओवरलोडिंग हो सकती है? तो देखो भाई, जनरली रिटर्न टाइप को बदलने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी। एम्बिग्यूटी कहने का मतलब ये होता है यार, एरर, एम्बिग्यूटी एरर कहने का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपको किसके लिए आउटपुट देना है, ठीक है। आपको जो आप प्रोग्राम का कोड चलाओगे वो किसके लिए चला रहे हो, किस पर्टिकुलर लाइन के लिए, ठीक है, कौन से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के लिए, वही जब कन्फ्यूज हो जाता है प्रोग्राम तो उसको बोलते हैं डेटा एम्बिग्यूटी एरर, ठीक है, वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाती है, समझ लेना, ठीक है, सिंपल सा एरर आ जाएगा बस, एम्बिग्यूटी ये समझो। तो ये है, तो कैसे करेंगे, ठीक है भाई, कैसे करेंगे इस रिटर्न टाइप को, वो भी है, उसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, होता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी समझते हैं, अभी के लिए समझते हैं कि नहीं होता है, ठीक है। जनरली जावा में रिटर्न टाइप को चेंज करने से ओवरलोडिंग जो है मेथड की वो नहीं होती है। कौन से केस में होती है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के साथ आप ऐसा कर सकते हो। किसके साथ ऐसा कर सकते हो? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के साथ, ठीक है। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के साथ जब आप रिटर्न टाइप उसका चेंज करोगे तब क्या है, इस केस में मेथड जो है वो ओवरलोड हो सकता है। कैसे? रिटर्न टाइप को चेंज करने के लिए, ठीक है, रिटर्न टाइप को चेंज करके, को वो मैं अलग बताऊंगा अभी आपको, अभी के लिए जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इन जनरल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? कैन वी ओवरलोड इट? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कि जावा में मेन मेथड को ओवरलोड करना पॉसिबल है, और ऐसा क्यों पॉसिबल है अभी मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, जैसे मान लीजिए चेक करने की चीज़ें यार, ये सब चेक करने की चीज़ें बहुत ही, मतलब ये सब आसान चीज़ें आप सीख जाओगे तुरंत से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ऐसे, और ऐसे ये मैंने किया, ठीक है, मैं यहाँ पर एक मेन मेथड डेमो, ठीक है, मैं एक नया क्लास बना दिया मैंने मेन मेथड डेमो करके, ओके, वेरी फाइन। यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं, और मेन मेथड को ऐसे करते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग नेम में इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं कोड विथ अंकित, चलो ठीक है, कोड विथ, यार क्या हो जाता है यार इसको, कोड विथ अंकित। अब ये मेन मेथड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ
दिस इज द डिफॉल्ट मेन मेथड, ठीक है, ये डिफॉल्ट मेन मेथड होता है जो कि JVM इसको रन करती है, राइट। इसको राइट क्लिक करके आप रन करोगे तो JVM क्या ढूंढता है, ये एंट्री गेट होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेन मेथड क्या होता है, एंट्री गेट होता है, यहीं से प्रोग्राम आपका चलता है। तो ये मेन मेथड हो गया हमारा, ठीक है, मेन मेथड काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम है इसको। ऐसे इस तरीके से मैंने कर लिया मेन मेथड। अब जैसा कि मैं जैसा कि आप लोग जानते हो, मेन मेथड जो है वो दो थो नहीं हो सकता एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसके लिए हमको आर्गुमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आर्गुमेंट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखो JVM ये वाला मेथड को कॉल करता है, तो हम लोग कितना बार भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया इसको स्ट्रिंग नेम, ठीक है, चलो स्ट्रिंग नेम हमने किया यहाँ से, और मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, ठीक है, अब ये नेम क्या हो गया भाई, गलत क्यों दे रहा है। तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में दिस का यूज़ तो नहीं होता है, जो कि गलत है। चलो ठीक है, इसको मैंने ठीक कर दिया। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मान लो चलो नेम ही रहने देते हैं। इस नेम में आप कुछ मत डालो, ऐसे कर दो साउट, यहाँ पे लिख दो दिस इज द ओवरलोडेड मेन मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेन मेथड है, ओवरलोडेड मेथड। देखो मैंने क्या किया, देखो जावा क्या करेगा, अभी आपको समझाता हूँ। जावा क्या करेगा ना, जावा हमेशा इसी मेथड को चलाएगा। देखो अभी मैंने अगर इसको कर दिया तो ये थोड़ी ना चला, दिस विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल मेथड, ओके। ये बिल्कुल नॉर्मल मेथड के जैसा बिहेव करेगा जब आपने इसका स्ट्रिंग जो इसका आर्गुमेंट है वो चेंज कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट JVM द्वारा यही मेथड कॉल किया जाता है, ठीक है। दिस ऐसा लिख दो कि बाय डिफ़ॉल्ट JVM कॉल दिस मेथड, ओके। यही मेथड कॉल करता है कौन, JVM ये मेथड कॉल करता है जिसमें स्ट्रिंग एरे आर्ग्स लिया हो, ठीक है। इसीलिए ये वाला मेथड जो है क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग हो सकता है, पर आपको यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो ये दूसरा केस है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। JVM किसको कॉल करता है, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स वाले को। तो आप एन नंबर, मतलब आप 5000 10000 जितना में आपका मन है यार, जितना आपका मन है। यहाँ से एक और मैंने किया यहाँ पे, ये देखो लो, अब इसमें हम कुछ और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ये मैंने किया और कर दिया इंट ए, ठीक है। अब मान लो इसको कॉल, आपको इसको कॉल करना है, तब क्या करोगे, तो इसको कॉल करने के लिए स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक में आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मेन मैंने डाला यहाँ पे, और मान लो डाल दिया अंकित, ओके। यहाँ पे मैंने डाला मेन, यहाँ पे डाल दिया अंकित, फिर से कॉमा है, एक लेगा 4, ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड है, क्यों है, देखो भाई यहाँ पे हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है, तो स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो सकता है, बिल्कुल कॉल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, बिना ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर लिया है। इसको सिंपली रन कर देंगे तो ये तीनों के तीनों मेथड चल जाएंगे। सबसे पहले मेन मेथड चलेगा, उसके बाद ये वाला मेथड चलेगा। तो ये देखो तीन बार आपका आउटपुट जो है, दिस इज द ओवरलोडेड मेन मेथड, दिस इज द ओवरलोडेड मेन मेथड, चल गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब ये आप देख लेना, इन नंबर्स आप कर सकते हो कितना भी, आप जितना माने उतना। बस ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये सब आसान है, ठीक है। अब जरा और केस देखते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो इसमें क्या है कि void show, show नाम का मेथड एक क्लास में जिसका int x है, फिर string है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि void show जो है int x, एक x नाम का वेरिएबल ले रहा है, ठीक है, void show एक string नाम का वेरिएबल ले रहा है यहाँ पे। तो जब मेन मेथड के अंदर कॉल हो रही है यहाँ पे देखो, तो t.show अगर आप उसमें कैरेक्टर पास कर दे रहे हो तो अभी क्या कॉल हो रहा है, इंट कॉल हो जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, कभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ से, ये लो ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल वन, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल वन क्लास, ठीक है। इस एग्जाम्पल वन क्लास में अभी हम लोग चेक करते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया एक void show, ठीक है। void show में हम क्या रख रहे थे, यहाँ पे int x, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू जो है वो जाएगी। ये मैंने दिया यहाँ पे, ऐसे लिख दिया show this is the show method, ओके, ये है हमारा show method, बहुत अच्छा जी। अब यही एक मेथड और था,
जो क्या कर रहा था, ये मेथड यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस, ठीक है, यही कर रहा था। चलो दिस इज द, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इंट, ताकि पता चले कि इंट वाला मेथड है, और ये मैं ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ताकि पता चले कि स्ट्रिंग वाला मेथड कॉल हो रहा है। अब अगर आप मेन मेथड यहाँ से बनाओगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा ध्यान से समझ रहा है, मेन मेथड बनाएंगे, हमको मेथड को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐसे कॉल किया एग्जाम्पल वन इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल वन, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉल कर लेंगे एग्जाम्पल, इसके रेफरेंस से किसको कॉल करेंगे, सो को। अब यहाँ पे अगर हम इंटीजर पास करते हैं, मान लो 45 हमने पास कर दिया, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, इंट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन है, यकीन तो होगा यार, इतनी बार मैंने तो आपको ईजिली समझा दिया, ठीक है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग, ये देखो दिस इज सो मेथड, ये तो हो गया आपका, दिस इज सो मेथड तो आ गया, ठीक है, सो मेथड यहाँ से कैसे आ गया, समझ रहे हो, क्योंकि इंट हमने डाला, इंट डाला, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। आइए सो मेथड में फिर से, यहाँ पे स्ट्रिंग जाएगा, तो स्ट्रिंग एस ले रहा था, तो मान लो मैंने दे दिया स्ट्रिंग हाय, ये एक स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ, दोनों मेथड कॉल हो जाएगा, एक इंट वाला भी अब की बार में आएगा, क्या सो वाला भी, स्ट्रिंग वाला भी, तो ये हो गया, दोनों मेथड कॉल हो रहा है, बिल्कुल कॉल हो रहा है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं इस स्ट्रिंग के जगह, इस इंटीजर के जगह, अगर मैं, अच्छा इंटीजर को रहने देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, ये 45 रहने देते हैं, फिर से मैं एक बार और कॉल करना चाहता हूँ इस सो मेथड को, और यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर डाल दूँ एक सी, ठीक है, या ए या बी या सी, ये कैरेक्टर है, कैर डेटा टाइप, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना कैर डेटा टाइप, कैर क्या होता है, जो आपको डेटा टाइप्स में मैंने आपको बताया डेटा टाइप्स वाले वीडियो में, देखो तो ये किसको कॉल कर रहा है भाई, ये किसको कॉल कर रहा है, इसी को, इंटीजर वाले को कॉल कर रहा है, ये कैसे हो गया, अरे यहाँ तो हमने इंटीजर पास करवा रखा है, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर पास कर रहे हैं। जरा एक बार और कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल डॉट सो, और अगर इस सो में, अगर इस सो में हम किसके जगह, इंटीजर के जगह, इस इंटीजर की जगह 78.00f, अगर हम ऐसे करके दे दें, ठीक है, मतलब कि क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट दे दें, तब तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तब ये नहीं हो रहा है, तब देखो तो एरर आ जाएगा कोड में हमारे, जी हाँ बिल्कुल आ गई एरर, कह रहा है कि नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर सो फ्लोट, फ्लोट के लिए कोई भी सुटेबल मेथड फाउंड ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि मैं जब इंट में कैरेक्टर डाल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख दो पासिंग कैर एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे इंटू इंटू इंटीजर इंटीजर ऐसे लिख दो, ठीक है, पासिंग कैर एज आर्ग्यूमेंट, चलो वो रहने देते हैं, इतना ही लिखते हैं। तो भाई इंटीजर वाले इस मेथड में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, सी पास कर रहे हैं, सिर्फ सी, एक कैरेक्टर पास कर रहे हैं, कैर पास कर रहे हैं। तो बात ये हमें समझनी है, ये कैसे काम कर रहा है, और वहीं पे हम लोग फ्लोट का पास कर रहे हैं तो नहीं काम कर रहा है, तो ये दोगलाबाजी क्यों। ओके भाई, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और टैग कीजिए मुझे ऑफिशियल अंडरस्कोर अंकित आर्या सैम, जो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पोस्ट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको टैग करूँगा, अपने आपको मतलब बस यार शाउट आउट मिलेगी बस, और क्या है, अब ये तो मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ यार कि मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, अच्छा लगता है जब आप लोग टैग करते हो। चलो तो यहाँ पे देखना ये है कि फ्लोट क्यों नहीं काम कर रहा है, और ये कैर क्यों काम कर रहा था जब हम यहाँ पे इसकी जगह पे पास कर रहे थे तब, इस इंटीजर की जगह पे पास कर रहे थे तब। तो आइए वापस से कोड में चलते हैं, इस नोट्स में चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक प्रमोशन, Here the A character is auto promoting into int. This is known as automatic promotion. अरे मेरे भाई, वो जो आपने C लिख रखा है वहाँ पे, यहाँ पे मैंने जो C लिख रखा है, ये actually में promote हो जा रहा है, convert हो जा रहा है, किस में, integer में। हाँ जी, ऐसा भी होता है क्या, जी बिल्कुल, अगर आप कोई कैरेक्टर लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है अपने से बड़े वाले में, मतलब इंटीजर में प्रमोट हो जा रहा है वो, तो इसीलिए एक्चुअल में वो कैरेक्टर नहीं ले रहा है, एक्चुअल में जो वो एक्सेप्ट कर रहा है वो इंटीजर ही एक्सेप्ट कर रहा है, बट उसके पीछे क्या हो रही है, जब आप कैरेक्टर डेटा टाइप डाल रहे हो तो वो प्रमोट हो जा रहा है किस में, सिंपल सी चीज है, इंटीजर में। तो कैरेक्टर यहाँ पे कैर जो है वो कहाँ प्रमोट हो जा रहा है, इंट में,
ठीक है, कैर किस में बदल जा रहा है, इंट में। तो यही चीज आपको समझनी है, इसी को बोलते हैं आउटो प्रमोशन। हमने यहाँ तो कोई कोड नहीं लिखा प्रमोशन का, है ना, ये तो खुद से हो रहा है, इम्प्लिसिटली हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको आउटो, खुद से स्वयं, ठीक है। तो ये खुद से प्रमोट हो जा रहा है, मेरी बात आई समझ में आपको, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि कैर जो है वो आउटो प्रमोट हो जा रहा है इंट में, इसीलिए ये जो सी है इंट वाले को चला दे रहा है, इस मेथड को एक्सेप्ट कर ले रहा है आराम से, और ये फ्लोट ये नहीं हो पा रहा है, ये वाला नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये इसको आप जैसे कमेंट कर दोगे, इसको रन करोगे, देखो कोड आपका अच्छे से रन हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से रन हो जाएगा भाई, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रन हो जाएगा। ये देखो इंट स्ट्रिंग, इंट स्ट्रिंग इंट, समझ में आई मेरी बात, समझ में आया। तो बात ये है कि भाई साहब जब ऐसा हो सकता है तो यानी कि डेटा टाइप में कुछ ना कुछ मतलब जादू है, मतलब जो भी है यार, ठीक है, मतलब जो भी जैसे भी चेंज हो रहा है, अपने को क्या, अपने को तो काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टर जो है इंट में बदल जा रहा है, जरा और देखते हैं क्या क्या बदल सकता है। तो देखो बाइट जो है वो खुद से शॉर्ट में बदल सकता है, ठीक है, शॉर्ट जो है वो इंट में बदल सकता है, अब इंट जो है वो फ्लोट में बदल सकता है, ठीक है, और कैरेक्टर जो है वो इंट में बदल सकता है, ठीक है। कैरेक्टर किस में बदल सकता है, इंट में, इंट किस में बदल सकता है, फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ना इसको, हम इसको किसको बदल रहे हैं अभी, फ्लोट को इंट में बदलने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोशिश फ्लोट को इंट में बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ये फ्लोट दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इंटीजर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास, ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है कि इंटीजर अगर आप भेज रहे हो, इंटीजर अगर आप भेज रहे हो तब वो फ्लोट में बदल जाएगा, तब वो फ्लोट में बदल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है आपको, ये समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर को फ्लोट में, को इंटीजर किस में बदलना चाहिए, यहाँ पे फ्लोट में, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। और बाकी तो मैं आपके साथ हुई यार, मैं बता ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर फ्लोट, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़ है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन। और क्या क्या बदल सकता है भाई, इंट डबल में बदल सकता है, लॉन्ग फ्लोट में बदल सकता है, इंट लॉन्ग में भी बदल सकता है। अच्छा ऐसा है क्या, इंट लॉन्ग में बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, इंट डबल में जा सकता है, प्रमोट हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटो प्रमोशन। ये यहाँ पे आप देख लेना इसकी हायरार्की, ठीक है, कि बाइट किसको बदल रहा है, शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट क्या, इंट, इंट देखो चार चीज़ों में बदल सकता है, ठीक है, कैरेक्टर इंट में, तो कैरेक्टर यहाँ से इंट में चेंज हो रहा है, यह तो आपको दिख रहा है, प्रमोट हो रहा है कैरेक्टर, ठीक है, आया समझ। तो इम्पॉर्टेंट ये है, आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे इसी में ले लेते हैं, ठीक है, या अलग, चलो यार इसी में लेते हैं, इसी में लेते हैं, ठीक है। वॉइड ऐसा बनाते हैं इसको, वॉइड सो, ठीक है, सो, और यहाँ पे हम क्या एक्सेप्ट करवाते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग, ठीक है, और इस लॉन्ग में हम एक्सेप्ट करवा देते हैं क्या, लैटिट्यूड एक्सेप्ट करवा देते हैं किसी जगह का लैटिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा होता है, ठीक है, चलो इस लॉन्ग में हम प्रेस इस तरीके से साउट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द सो, सो, ठीक है, और ये सो मेथड है, सो मेथड किसका, सो मेथड है ये लॉन्ग वाले का, ठीक है, ये लॉन्ग का है। चलिए तो ये सो मेथड जो है हमने यहाँ पे क्या मांग रहे हैं हम इससे, इसके पैरामीटर में लैटिट्यूड, मतलब लॉन्ग टाइप का वह इसमें डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप। तो अगर हम यहाँ से लॉन्ग डेटा टाइप डालें इस तरीके से एग्जाम्पल डॉट सो, और हमने बनाया इसको इंट है, लॉन्ग है, ये लॉन्ग डेटा टाइप में हम क्या डालेंगे अगर इस तरीके से डाल रहे हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये हमारा हो गया, चलो ये हमारा इतना ज़्यादा भी नहीं, एल इसको ऐसे लिख दो, और क्या हो गया यार इसको, अच्छा ये तो डबल डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग नहीं होगा यार, चलो ठीक है लॉन्ग होगा तो इसको लॉन्ग करेंगे ना हम, लॉन्ग दे देते हैं इसके वैल्यू, ऐसे यार ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से स्टार्ट मत करो भाई, ठीक है,
चलो ये हो गया हमारा लॉन्ग का वैल्यू। ओके तो ये हो गया हमारा लॉन्ग की वैल्यू, यहाँ पे मैंने अभी सही डाल दी इसमें, और अब जरा एक बार चला के देखते हैं तो लॉन्ग वाला मेथड भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है बिल्कुल चलेगा। ये देखो लॉन्ग वाला मेथड चला, और क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इंट वाला मेथड ही चल जा रहा है। अच्छा अच्छा हमने इंट डाल रहे हैं इसको, ये मेथड चल जा रहा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं अपन कमेंट, ठीक है। अब इंट नाम का कोई मेथड नहीं है, ओके, तो अब इंट नाम का कोई मेथड नहीं है तो क्या है, ज़रा देखते हैं, देखते हैं ज़रा क्या चलता है, ठीक है। तो लॉन्ग वाला मेथड चलेगा, आहा देखो ऊपर लॉन्ग चल गया। ये मैंने 45 जो डाला लैटिट्यूड में ही, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेथड तो है नहीं, इसको तो मैंने कर दिया अनकमेंट। तो ये लॉन्ग जो है किसको किसको एक्सेप्ट करवा ले रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे डाला इंटीजर, ये सॉरी यहाँ पे 45 जो है इंटीजर, इसको मैंने डाला और वो एक्सेप्ट कर लिया, इसको भी डाला तो एक्सेप्ट कर लिया। तो समझ में आया यहाँ से ये जो लिखी हुई चीज़ है कि इंटीजर किस में प्रमोट हो सकता है, लॉन्ग में प्रमोट हो सकता है, लॉन्ग किस में प्रमोट हो सकता है, फ्लोट में प्रमोट हो सकता है। अरे भैया फ्लोट में कैसे प्रमोट हो सकता है, और इंट जो है वो डबल में भी प्रमोट हो सकता है। फर्स्ट एज आर्गुमेंट कंपाइलर विल गिव प्रेफरेंस टू द चाइल्ड टाइप आर्गुमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, क्या बोला गया है कि अगर आप कोई इस तरीके से बात समझते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर कर लेना आप, ठीक है। तो एक और केस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो केस और हैं जो कि ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के टाइम पे, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। दो केस और हैं, तो केस नंबर 4 पे हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको बाद में बात करेंगे कभी और वीडियो में, ठीक है। अभी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अभी छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, फिर पढ़नी चाहिए बाद में, ठीक है। तो केस 4 में हम लोग आते हैं अभी, और इसमें देखो क्या है कि एक मेथड है वाइड कैलकुलेट, एक ये मेथड है वाइड कैल, यहाँ पे 2 लिखा है ऐसे करके, ये 2 है ऐसे, ठीक है। एक वाइड कैल सी ये भी है, एक तीन मेथड बनाया गया है, ठीक है। एक में इंट है, एक में इंट फ्लोट दोनों, एक में फ्लोट इंट है। अब जैसे यहाँ पे देखो आपको ये किया गया है, ठीक है, कि एक टेस्ट नाम का मतलब ऑब्जेक्ट है, एक क्लास का बनाया गया है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर बारी बारी से सब मेथड को कॉल किया गया है, राइट, इस पर बारी बारी से सारे मेथड को कॉल किया गया है। तो इसकी कॉलिंग कैसे होगी जरा वो देखते हैं, ये एग्जाम ये हमको समझना है, ठीक है। इंट फ्लोट, फ्लोट इंट कैसे है, ये चीज़ें देखनी है हमको। सबसे पहले जावा क्लास बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल 4, ठीक है, क्योंकि हम लोग 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया void cal c int, ओके, shout, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ shout int int a, ओके, चलो यही मेथड मैं कर दूँगा कॉपी, यहाँ कर दूँगा पेस्ट, यहाँ भी कर दूँगा पेस्ट। int के बाद मैं लगा दूँगा क्या, यहाँ से इसमें क्या लगा रखा है मैंने, int में float, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँगा float f, यहाँ पे क्या कर दूँगा एक और में डाल दूँगा float और int। इस बार मैं डालूँगा एक यहाँ पे float f और int i, चलो। तो ये हो गया int a और int a ऐसे कर दो float f, यहाँ पे हमने किया पहले float f फिर int i, चलिए तीन मेथड हमने बनाया है, तीन मेथड को ओवरलोड कर लिया, इस कैलसी मेथड को हमने कर लिया है ओवरलोड। अभी तक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गई यार, इसको आप ध्यान में रखें। मेन मेथड में बना लेते हैं एग्जाम्पल 4 का न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एग्जाम्पल 4 का, और यहाँ से एग्जाम्पल 4 को हम इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कॉल करेंगे ex डॉट। अब ज़रा इस एग्जाम्पल 1 यहाँ पे क्यों लिखा गया भाई, यहाँ पे 4 आ जाओ, ex डॉट। अगर आप कैलकुलेटर चलाओगे क्या, अगर हम डालते हैं सिर्फ 10 तो क्या आएगा, क्या आएगा प्रिंट होके, क्या आएगा ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं प्रिंट होके क्या आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको रन करते हैं राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक करके जब आप रन करोगे तो क्या आएगा, इंट ए, ठीक है, जो कि इंट, ये बिल्कुल सही कॉलिंग हो रही है अभी हमारी। दूसरा जब हम यहाँ पे ऐसे कॉल करेंगे ex.calc, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं क्या, int a f, और मतलब एक इंटीजर और एक फ्लोट, ऐसे हम लिख देते हैं, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया 2.0f,
ये हो गया फ्लोट। अब ये क्या कॉल हो जाएगा, ये कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, पहले इंट वाला। जी हाँ, पहले इंट वाला कॉल हुआ। तो ये तो समझ में आया। तो क्या अगर ये ऐसे कॉल हो रहा है तो आप अगर इसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दो क्या नीचे वाला कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर हम इसको इस इंट वाले मेथड को, इस मेथड को कहाँ चला गया मेरे भाई, इसको ऐसे कर दें तो क्या ये वाला मेथड कॉल होगा, नहीं कॉल होगा। देखो यहाँ पे एरर दे दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि पहले तो जो आर्गुमेंट हम पहले डालेंगे वही उसी की वैल्यू हमको पहले डालनी पड़ेगी, जो हम बाद में डालेंगे उसको हमको बाद में डालना है। ये आप याद रखना हमेशा, ठीक है। ये आप कैसा याद रखना, हमेशा याद रखना। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ex.cal। तो क्या मैं इस फ्लोट की जगह, फ्लोट की जगह इंट डाल सकता हूँ। ज़रा यहाँ पे देखता हूँ, ऑटोमेटिक प्रमोशन वाला जो वीडियो है उसमें देखता हूँ, ऑटोमेटिक प्रमोशन जो मैंने आपको बताया कि फ्लोट इंट जो है वो फ्लोट में बदल सकता है। अगर मैं इंट डालूँ तो फ्लोट में बदल सकता है, प्रमोट हो सकता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे 78 डाल देता हूँ तो ये इंट है, ठीक है, तो ये फ्लोट में बदल गया। अब यहाँ पे भी मैं क्या डाल देता हूँ, एक इंट और डाल देता हूँ, ठीक है, 70 और 45। तो कौन सा मेथड कॉल होगा ज़रा मुझे बताओ। इसको हम कर देते हैं अनकमेंट फ़िलहाल के लिए फिर से। अब बताओ तो ज़रा कौन सा मेथड कॉल होगा, बताओ भाई कौन सा मेथड कॉल होगा। यहाँ पे तो इंट फ्लोट है ना, इसको हम कर देते हैं इस तरीके से कमेंट, ठीक है, और इसको रहने देते, इसको कमेंट करते हैं। और अब बताओ ये कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ज़रा करके बताओ। इसको रन करो, देखते हैं कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है, इसको रन कीजिए। तो ये देखो फ्लोट ए फॉर इंट आई वाला मेथड कॉल हो गया। मतलब ये फ्लोट मैंने डाला किसके लिए, इस वाले मेथड के लिए, यहाँ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू जा रही है। लेकिन मैंने तो इंट डाला है। अरे तो भाई इसी, यही तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि टाइप प्रमोशन क्या है, ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या है। ये इंटीजर जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ में आया। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम चल जा रहा है, इसीलिए ये वाला मेथड जो है किसको कॉल कर ले रहा है, इस वाले मेथड को कॉल कर ले रहा है। आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग के केसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। इतना केसेस आपको मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मेथड ओवर राइडिंग के बारे में आएगी। वैसे तो मेथड ओवर राइडिंग के बारे में मैंने बता रखा है, बट इसका केस क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में, वो सब हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से मेथड ओवर राइडिंग के कुछ केसेस समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, कमेंट में कांग्रेचुलेशन लिखिए अपने लिए, हैशटैग शुक्रिया जावा स्पैम कर दीजिए कमेंट, और शेयर कीजिए यार दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आपके लिए वीडियोज और लाता रहूँ इसी तरीके से। और बस यहाँ पे जैसे ही कोर जावा ख़त्म होता है, ओप्स ख़त्म होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद अगर मैं ख़त्म करूँगा ये क्या बोलता हूँ मल्टी थ्रेडिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसके बाद से एंड्रॉयड का कोर्स आ जाएगा यार इस पर, ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप सिखाऊंगा मैं इसमें फिर आगे, और धीरे धीरे इस तरीके से हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क तक जाएंगे इस वाले कोर्स में, फुल स्टैक जावा वाले में। तो बने रहिए, देखते रहिए, हैशटैग शुक्रिया जावा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।